आप अच्छा हुआ, बाबू जी आपको ही बुलाना चाह रही थी। भूपेन बाबू यहाँ आए थे? हाँ, कल रात से वो यही है। उनका छोटा भाई, उनकी पत्नी? सो तो नहीं आए बाबू, वे तो अकेले आए थे और आने के बाद ही हमारे बाबू के पास बैठे हैं। सारी रात बीत गई। बाबू आज कैसे हैं? अब क्या है बाबू, कोई मिनट ही जा रहा है। भाभी कहाँ है? वो अभी अभी नहा कर रसोई में गई है, आप आइए ना। बाहर क्यों खड़ी रह गई थी बच्ची, अंदर आओ। ये क्या आंख लाल हो रही है, सारी रात सोई नहीं क्या? हाँ, सारी रात जाकर उसके साथ आमोद प्रमोद जो किया है सुनकर संतोष हो गया ना, फिर कभी इस घर में ना आऊं यही चाहती हो? लेकिन जाकर उपेन बाबू से पूछो कि अगर वो मुझसे पूछते तो मैं सच सच ही बताता। दुनिया में उनके अलावा भी सच बोलने वाले हैं, और फिर वो मेरे ऐसे कोई नहीं है जो उनसे डर के मुझे झूठ बोलना पड़ता। जाकर कह दो उनसे, समझी भाभी? ठहरो देवर जी, सुनो तो। सुनने से क्या होगा भाभी, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इतना छोटा आदमी है। जाकर कह दो भाभी उसे कि मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। किसकी? तुम क्या कह रहे हो देवर जी? ठीक कह रहा हूं, उसे कहोगी वो बिल्कुल समझ जाएगा। तुमसे भी कह जा रहा हूं भाभी, आज बिना किसी अपराध के भले ही तुमने इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए हो, लेकिन एक दिन आएगा जब समझ में आएगा कि सतीश चाहे जितना बुरा हो लेकिन उस पर विश्वास करके कभी किसी ने धोखा नहीं खाया है। और एक बात उससे जाकर कह दो भाभी कि वो जितना चाहे मेरा बुरा कर ले, मैं भी उसे कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, और वो भी। ये क्या बेटा, तुमने चाय नहीं पी? पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं होगा। रात भर जागते रहे, कहीं तुम भी पड़ गए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी उपेन? पी लेना बेटा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? देख तो बहू, उपेन चाय नहीं पी रहा, इसे समझाना।
रात भर जागेगा तो क्या होगा? पहले अपने बेटे की चिंता कीजिए मौसी। अगर आप चाहती तो माँ का ये छोटा सा अनुरोध रख लेने से कोई हर्ज तो नहीं होता। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब अब कुछ नहीं किया जा सकता, रात में कभी भी सांस टूट सकती है। आपका एक बार वहां जाना जरूरी है ना? हाँ? कहाँ? दीदी के पास। नहीं, कोई जरूरी नहीं, उन लोगों को सब। तब भी आप एक बार हो आइए, वैसे दिन के समय डरने की तो कोई बात नहीं। नहा खाकर थोड़ा आराम करके आइएगा। आप ही सोचिए, बिना खाए पिए ऐसे उपवास करके बैठे रहने से वो ठीक हो जाएंगे क्या? सफर करके आए हैं, सारी रात बीत गई है, और अब अगर आज भी सारे दिन रात ऐसे बैठे रहे तो बीमार पड़ जाइएगा। सतीश देवर जी भी नहीं है, और अब अगर आप भी बीमार पड़ गए तो वैसे भी आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं। मैं हूं ना, आप हो आइए, उठिए तो बात मानिए, उठिए। किंतु आप लोग कैसे संभालेंगे आज? ये पूछने से लाभ क्या है देवर जी, अब ये दुख के दिन हमें ही तो बिताने हैं ना, हमें ही तो झेलना है सब, दूसरा कौन बांटेगा? आप हटिए तो मैं उन्हें जरा दूध पिला दूं। कुछ दवाई? नहीं नहीं, वो सब कोई जरूरी नहीं। बहुत सारी दवाई पिलाई है मैंने जबरदस्ती, और नहीं पिलाऊंगी। ठीक है,
जल्दी ही आ जाऊंगा। सुनिए, आते समय सतीश देवर जी के डेरे होते आएंगे। क्यों? मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है कि खबर भेजूं, इसीलिए सोच रही थी कि आप। उसे क्या, आपको कोई खास काम है? मेरे इस बुरे वक्त में हर किसी की जरूरत है मुझे उपेन बाबू। इसके अलावा वो आपके ऊपर नाराज होकर अचानक क्यों चले गए? उसके लिए आप परेशान ना हो, वो मेरा मित्र है, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। हाँ, अगर आपको कोई काम है तो मैं आदमी भेज दूंगा, मुझे जाने का समय तो नहीं मिल सकता। ठीक है, किसी को भी भेज दीजिएगा, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा। आप लोग आपस में कब निपटारा करेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो उसकी बहन हूं। आप लोगों के झगड़े में इस बुरे वक्त में मैं क्यों सजा भुगतूं? ठीक है, खबर भिजवा दूंगा। सीधे ऊपर चलिए। क्यों? अच्छे आदमी की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे आप मुझे, न खुद सोई न सारी रात मुझे सोने दिया। एक भी गाड़ी की आवाज सुनी नहीं, बस भागकर खिड़की पर पहुंची। अरे लिखने बैठ गए आप? सुनिए सुनिए तो, एक बार उधर हो आइए, फिर जो मर्जी चाहे कीजिएगा। ये चिट्ठी लिख दूं? फिर जो कहिएगा करूंगा। आप चाहे तो ऊपर खबर दे दीजिए। मेरे खबर देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे खबर देकर भेजा है। मेम साहब, गाड़ी लगा दी है। अच्छा, हम आते हैं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पियानो ठीक करने दिया था, उसे ही देखने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, पता लिखा है, तनिक कष्ट करके सतीश के घर पहुँचा दीजिएगा। अरे सतीश बाबू के लिए है, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं उतरे? अरे हमारे साथ थोड़े ही आए हैं, वो तो तभी से यही है। इतने दिनों से यही है और यहाँ एक बार भी नहीं आए? शायद आप लोगों का ख्याल मन से उतर गया होगा। खैर छोड़िए, दिवाकर कहाँ है? दादा के साथ हाईकोर्ट घूमने गए हैं। अच्छा आप ऊपर जाइए, मैं होकर आती हूँ। ठीक। सतीश बाबू को दे। सतीश आप घर पे हैं? उनके लिए ये चिट्ठी है। बाबू तो घर पे नहीं है। अच्छा, कल 10 बजे की गाड़ी से कलकत्ते से बाहर चले गए हैं। बाबू घर पर नहीं है मेम साहब। घर पर नहीं है? जी नहीं। तो फिर चिट्ठी क्यों वापस ले आया? जा वापस दिया, वो आएंगे तो पढ़ लेंगे। बाबू कलकत्ते में भी नहीं है मेम साहब, 10 बजे की गाड़ी से घर गए हैं।
कहाँ गए बाबू? घर चले गए माँ। कब? कल रात। अच्छा अंदर चलो। फिर? कल रात उनके एक मित्र आए, साथ में उनकी पत्नी भी थी और छोटा भाई भी। बस सब ऊपर तक आए और फिर वापस चले गए। उपेंद्र बाबू पहले यहाँ आए थे? जी नहीं कुछ नहीं। फिर क्या, तभी माँ बेहोश हो गई, बीमार थी ना। माँ? कौन माँ? सावित्री, ज्वर अधिक था, बेहोश हो गई और जब होश में आई तो अभी चली गई। शायद इसीलिए बाबू को भी अचानक जाना पड़ा, उनकी हालत देखने गए होंगे ना। अच्छा, ये धोती माँ जी की कल उन्होंने ही नहा कर टांगी थी। माँ माने सावित्री? जी। कौन है ये सावित्री? कहाँ से आ गए? कहीं उपेंद्र बाबू, उपेंद्र बाबू को तो पता ही नहीं कि सतीश यहाँ नहीं है। सतीश देवर जी वहाँ नहीं है, 10 बजे की गाड़ी से अपने घर चले गए हैं। क्या? मुझे इस विपत्ति के बीच अकेला छोड़कर? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था पशु। अकेला इस अनजान शहर में क्या क्या करूंगा मैं? क्यों, ऐसी क्या बात है? कोई एक काम है, लोग इकट्ठे करना, सामान जुटाना, सद विधवा पत्नी की गोद से मृत पति को ले जाना। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इस कलकत्ते में किसी के बिना कोई काम नहीं अटकता। हाथ मुंह धो लो, छोटे देवर जी को साथ लेकर मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। तुम चलोगी? हाँ मैं भी चलूंगी। औरत के ऐसे दुख के समय में औरत को ही पास में रहना चाहिए। मैं बूढ़ी बैठी हूँ और आज
मेरी बेटी को श्राद्ध भी हो गया। बेटा, पड़ोस के मालिक की बड़ी बहू काशी वृंदावन और प्रयाग जा रही है, मैं उसके साथ जाऊं बेटा? क्यों नहीं मौसी, बड़ी खुशी से जा सकती हो। हाँ किंतु मेरी चिंता मत करो देवर जी, मैं नौकरानी के साथ रह लूंगी। या एक काम क्यों नहीं करते, दिवाकर देवर जी कलकत्ते में रहकर बीए करेंगे ना? हाँ, उन्हें क्यों नहीं छोड़ देते मेरे पास? अनजान नगर में अकेले रहने से तो मेरी आंखों के सामने रहना ज्यादा अच्छा होगा, खाने पीने की दिक्कत भी ना रहेगी और अकेले रहने पर जिन बातों का डर है वो भी ना रहेगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी उपेन, ऐसा ही कर बेटा, लड़का भी परेशान नहीं होगा और इस बहाने इस भाभी को भी कुछ काम मिल जाएगा। और नहीं तो क्या? किंतु दिवाकर। क्यों दिवाकर? क्या नहीं, वो दिवाकर को नहीं छोड़ सकते मेरे साथ? नहीं नहीं भाभी, क्यों नहीं छोड़ सकता, आप अगर उसकी जिम्मेदारी ले लें तो उसका परम सौभाग्य होगा। तो फिर मैं जाकर मालिक की बहू से कहूं बेटा? मैंने कहा ना मौसी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी बहू राजी होती है तो कहूं बेटी। हाँ माँ। अच्छा हुआ, कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना जरूरी है। क्यों नहीं देवर जी, ये घर तो एक अंधेरा कुआं है, यहां से जाएंगी तो कुछ दिन तो इससे छुटकारा मिलेगा। दुख के इस घेरे से आपका निकलना भी तो जरूरी है भाभी। मेरा कौन है देवर जी, मैं कहां जाऊंगी? आपके मायके में कोई नहीं है क्या? मायका है कहां यही नहीं मालूम, मामा के यहां पली 8-10 साल से उनकी ही कोई खबर नहीं। 10 साल की उम्र में इस घर में आई थी देवर जी, अब मरने के पहले कहां जाऊंगी मैं? तो फिर आप मौसी के साथ ही क्यों नहीं चली जाती, घूमना भी हो जाता और तीर्थ यात्रा भी। घर की चिंता हो रही है, उसके बारे में आप कुछ मत सोचिए भाभी, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। मेरे पहले दिन की बेवकूफी अभी भी नहीं भूले देवर जी, तुम पर भी शक किया था मैंने। जी, 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 जी। क्या क्या नहीं कहा था, पर अब वो ममता कहाँ गई देवर जी, एक बार के लिए भी ख्याल नहीं आता कि ये घर बार मेरा रहेगा या नहीं, रहता है रहे, जाता है जाए। अब तो सोचती हूँ सड़क के वृक्ष तो कोई नहीं छीनेगा, वही काफी है मेरे से छिपाने के लिए। घर के कारण ना जाना चाहूँ ऐसी बात नहीं है देवर जी, पर तीर्थ यात्रा से शांति मिलेगी क्या? सुना है वहाँ बड़ी भीड़ होती है।